हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और वेलकम फ्रॉम नॉर्थ मैसेडोनिया, स्कोपिए यहाँ का कैपिटल है। यहाँ मैं थोड़ी देर पहले ही लैंड कर गया हूँ, और थोड़ी देर तो नहीं, काफ़ी देर पहले ही लैंड कर गया हूँ। अंदर इमिग्रेशन में फंसा हुआ था, बहुत देर बाद बाहर आया हूँ अभी। और ये मेरे पीछे जो है पूरा एयरपोर्ट है उन्हीं का, और ये आप लोग देख सकते हो ऐसे घूम के, ये पूरा एयरपोर्ट है स्कोपिए जो इनका कैपिटल है उसका, यहीं पर आया हूँ मैं। तो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आते हो यहाँ पे तो भाई वीज़ा रिक्वायर्ड है, वीज़े के बगैर नहीं आ सकते हैं। मगर मेरे पास था शेंजन वीज़ा, उसको इस्तेमाल करके यहाँ आ गया हूँ। मगर इमिग्रेशन में फिर भी फंस गया, बहुत सारे सवाल किए हैं, यहाँ क्यों आए हो, कितने दिन रुकोगे, होटल क्या है, वापस कब जाओगे, यहाँ से कहीं और तो नहीं जाओगे, जर्मनी में क्या करते हो, पाकिस्तान में क्या करते हो, कब से जर्मनी में रह रहे हो, बहुत मतलब एक वीज़ा ऑफिसर से दूसरे तीसरे चौथे के हवाले करते हुए बहुत देर बाद वो लोग तंग आके उन लोगों ने शायद बोला कि अब इसको जाने ही देते। खैर बहरहाल, ये तो होता ही है, अक्सर नॉर्मल सी बात है, होता रहता है मेरे साथ जब भी मैं किसी ट्रैवल पे जाता हूँ शेंजन जोन से बाहर, तो इस तरह के सवाल जो हैं वो देखने को आते हैं। अभी तो खैर मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ, और मेरे को जो है वो तलाश है भाई ये बस स्टॉप की, जहाँ से मैं मतलब रवाना हो सकूँ सिटी सेंटर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को यहाँ पे लैंड किए हुए और अभी तक मैं कहीं भी नहीं पहुँच पाया हूँ। एक मैं व्यू दिखा देता हूँ एयरपोर्ट का पूरा, ये देखो भाई, ये पूरा लिखा हुआ है इन्हीं की अपनी ज़बान में ही लिखा हुआ है। हाँ तो खैर बहरहाल, मसला इसलिए हुआ कि उसको सही से इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे उनकी ज़बान नहीं आती थी, इसलिए ना वो मेरी बात समझ पा रहे थे ना मैं वो। बहरहाल एक बंदे को बुला के इंग्लिश ट्रांसलेटर, मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गई है जैसे तैसे, मगर समझ मुझे अभी तक नहीं आई कि क्यों रोका था। खैर तो बहरहाल एयरपोर्ट के अंदर से ही जब भी आप आओगे ना तो सिम ख़रीद सकते हो, 10 यूरो की सिम मिलती है, उसमें 10 GB का ही डेटा है एक हफ़्ते के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ रुकना है 4 दिन, इसलिए मैंने इसीलिए वही वाली ले ली है। टी मोबाइल की सिम है वो मेरे मोबाइल में, और चल भी रहा है इंटरनेट उसके ऊपर, ठीक है। और बस का जो टिकट है वो भी एयरपोर्ट के अंदर से ही आपको मिल जाता है, ऐसा टिकट है ये देख रहे हो, ये 200 दिनार का है, ऐसे करके ये टिकट मिल जाता है। 200 दिनार का मतलब हो गया 3 यूरो, 1 यूरो है 61 का, सही है, तो 3 पॉइंट समथिंग हो गया यार, मतलब समझ लो 3 हो गया, 4 तो नहीं है किसी भी तरह से। और ये पैसे भी यहीं से मैंने थोड़े से चेंज करा लिए थे, 100 दिनार का जो है वो ऐसे लगता है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ भाई बस का स्टेशन जहाँ से मुझे जाना है यहाँ, क्योंकि वहीं पे बस आएगी। टिकट विकेट तो ले लिया मैंने, ऐसा ना हो बातों में लगा रहा हूँ और बस निकल जाए वहाँ से, तो चलते हैं वहाँ पे जाके। तो सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जाके देखता हूँ मैं। अच्छा बस की जगह मुझे मिल गई है, जो दो एरियाज़ है ना, एक है डिपार्चर वाला, एक है अराइवल वाला, ठीक है, वहाँ से कर सकते हो। और अराइवल वाली जगह पर ही जो है वो टैक्सी का स्टैंड भी है और बस का भी है, मैं दिखाता हूँ, ये टैक्सी का स्टैंड है। ये पूरी इनकी प्राइस लिस्ट है ऐसे। ठीक है, स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट ले लेना, पता नहीं सही से आया भी है या नहीं, मैं इस तरफ से देखता हूँ शायद सही से आ जाए। ठीक है, हर एक जगह की मतलब जहाँ से जहाँ भी जाना है ना उसके पैसे लिखे हुए हैं, यूरो में देने हैं तो कितने देने ये भी लिखा हुआ है, यहाँ के पैसों में देने तो कितने देने वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको टैक्सी वाला ओवर चार्ज करेगा, मगर भाई सिटी सेंटर में जाने के देखे थे ना 25 यूरो लिखे हुए हैं, 25 यूरो 1500 दिनार, भाई इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं और मैं दूंगा नहीं, इसलिए मैंने अंदर से ही टिकट ले लिया है। और ये रहा भाई बस स्टॉप, देख रहे हो भाई, कभी आए ना यहाँ पे, ये पूरा टाइम टेबल भी लगा हुआ है, आज है वेनसडे और अब हमें ये वाली बस पकड़नी है जिस पे मैंने उंगली रखी हुई है। वो वाली बस तो उनकी गप्पों में निकल गई, उन लोगों ने जो मुझे रोक के बिठा के रखा है ना उस चक्कर में निकल गई। अब मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर मैं इस बस में बैठ के जाऊंगा, नहीं तो सुबह सुबह ही मैं आज अपने हॉस्टल में होता भाई और मतलब लेटा हुआ मज़े कर रहा होता अभी, मगर देर हो गई है, अभी यहाँ पर बारिश वारिश भी हो रही है। चलो अभी 1 घंटा है मेरे पास, देखता हूँ एयरपोर्ट को थोड़ा बहुत घूमता फिरता हूँ, आप लोगों से फिर गपशप करूँगा बाद में, ठीक है। अच्छा ये इनके एयरपोर्ट पे ही ना ये 3 ऐसे करके ATM मशीन्स भी लगी हुई हैं, मेरे को जो सही लगी है वो ये स्पार कासे वाली लगी है सबसे सही,
बाकी मैंने पैसे किसी से भी नहीं निकाले अभी तक, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ पैसे खुले करा लिए थे। ये एयरपोर्ट के अंदर का पूरा एरिया है अराइवल वाला। तो अब टाइम हो गया बस का, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा खैर, इमिग्रेशन की बात करते हैं। इमिग्रेशन वाली जो बात थी वो बीच में ही रह गई थी। इनके जो अंदर जो बूथ लगे हुए हैं ना, जब आप आते हो एयरपोर्ट पे, वो 8 लगे हुए हैं, बिल्कुल जो तुर्किश स्टाइल है ना, जैसे आप तुर्की कभी जाओ इस्तांबुल या एंटेलिया वगैरह का जो एयरपोर्ट है, बिल्कुल उसी स्टाइल के 8 बूथ जो हैं वो लाइन से लगे हुए हैं। और उसमें से 2-3 जो हैं उस पर लिखा हुआ है आल पासपोर्ट। तो मुझे तो वहीं जाना था, क्योंकि मैं यहाँ का नेशनल तो हूँ नहीं। तो उसी पे मैं गया था, और उसी पे जाके फिर वो सारे सवाल जो मैं पहले बता चुका हूँ क्या क्या हुए थे, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करते हैं, थोड़ा सा आपको तंग करते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर आप उनके साथ डटे रहो तो फिर वो जाने देते हैं अंदर। और मुझे क्या वापस थोड़ी भेजना था यार उन लोगों ने, मेरे पास संडे का टिकट है वापस का। तो अभी यहाँ पर मुझे बिठा के संडे तक वो लोग क्या करते, तो ऐसे ही ठीक है। तो अभी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस में बैठ के फिर आगे अपडेट कर रहा हूँ। भाई साहब बस आ गई है, ये रही बस, ऐसा ये रहा एयरपोर्ट शटल। और इसमें अब चलते हैं, रवाना होते हैं, सिटी सेंटर की तरफ जाना है। मुझे लगता है आधा घंटा लगेगा, पहुंच जाऊंगा मैं, बस के अंदर चलता हूं। तो भाई बस जो है वो चल पड़ी है अभी, और मैं भी चल पड़ा हूँ इसी के साथ। अभी जाएंगे सिटी सेंटर। रास्ता तो क्या ही दिखाना है, रास्ते में बस ऐसे ही सारा नज़ारा होगा एयरपोर्ट के, तो बाहर अच्छा खासा सिटी से। तो वहाँ पे फिर पहुँच के, सिटी सेंटर में पहुँच के बताऊँगा, जो मतलब एयरपोर्ट के अंदर से जो मतलब टिकट जो देते हैं ना, वही बाद में आके बस के अंदर आके टिकट ऐसे फिर फाड़ देता है। और मतलब अभी टिकट वैलिड नहीं रहा, अभी दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो खैर इसी तरह अपने देसी वाला ही चक्कर है, टिकट को फाड़ देते हैं। तो मैं अब सिटी सेंटर जब बस पहुँचेगी दिखाऊंगा कौन सा बस, जो सेंट्रल बस स्टेशन है ना वही रेलवे स्टेशन है स्कॉर्पियो का। तो वहाँ से फिर आगे मैं बताऊंगा कि कैसे जाना है। 5-6 मिनट की वॉक है जो मेरा हॉस्टल है उसकी, फिर वहाँ हॉस्टल भी दिखाऊंगा कैसा है। तो फिर मिलते हैं। अच्छा भाई बस ने तो उतार दिया है, ये हॉलीडे इन वाला जो है ना पीछे, ये पूरा में ये है इसका आखिरी स्टॉप, बिल्कुल लास्ट स्टॉप है। और यहीं से फिर जो है आपको ये बस जो है वो उतार देती है। पीछे एक और सेंट्रल स्टेशन है बस वाला, वहाँ पे भी उतर सकते हो, मगर मुझे जो था वो यहाँ से छोटा पड़ रहा था, तो मैंने फिर जो है वो यहाँ पे उतर गया हूँ मैं, क्योंकि दूसरी वाली जगह का पता नहीं है यार वो कहाँ पर है, कितना दूर है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार यहीं पर उतर जाता हूँ, और फिर यहाँ से भी मैं हॉस्टल जो है मेरा 3-4 मिनट की वॉक पे, तो फिर मैं वहाँ पहुँचता हूँ और फिर पहुँच के हॉस्टल में फिर कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। तो भाई ये रहा वो हॉस्टल, घूमते घुमाते पहुँच गया हूँ, अभी चलते हैं अंदर चेक इन करते हैं। अच्छा तो गाइस अब मैं पहुँच गया अपने हॉस्टल में, और ये जो शांति हॉस्टल के नाम से है, $10 पर नाइट इस तरह करके कुछ पड़ा है, 4 दिन के 40 यूरो हैं। और ये मेरा रूम है ऐसे करके, ये नीचे वाला बेड मेरा है। तो यार मैं थक गया हूँ काफ़ी सफ़र को कर करके, और कुछ देर के लिए मैं रेस्ट करूँगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है। आज तक की वीडियो यही थी, कोशिश यही की है कि शॉर्ट सी वीडियो बनाओ, और यार मुझसे बहुत परफेक्ट वीडियो एक्सपेक्ट मत किया करो, क्योंकि यार मेरा वो काम नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही घूमता हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।